मुकेश जी का जितना बॉलीवुड में सफर दिलचस्प था, उतनी ही उनकी रियल लाइफ भी रोचक थी। आपको एक किस्सा बताते हैं। मुकेश को सरला त्रिवेदी रायचंद से प्यार हो गया था। सरला बेहद अमीर घर से थी और उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल थी। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। प्यार कब शादी करने के फैसले पर पहुंच गया, ये दोनों को भी नहीं पता चल पाया। मुकेश का परिवार इन दोनों के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। इसके पीछे की वजह सरला का गुजराती ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखना था। दूसरा कारण मुकेश की गायकी थी। सरला का परिवार इन दोनों के रिश्ते के इसलिए खिलाफ था क्योंकि बतौर गायक मुकेश की कोई फिक्स इनकम नहीं थी। इसके साथ ही उनका खुद का घर भी नहीं था। हिंदी सिनेमा में मुकेश की आवाज का ऐसा जादू छाया कि कई दशकों तक वो गायकी की दुनिया में राज करते रहे। मुकेश और सरला का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने बाकी चीजों की परवाह किए बगैर भागने का फैसला किया और 1946 में शादी कर ली थी। इन दोनों के 5 बच्चे हैं। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश प्लेबैक सिंगर हैं और कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। एक्टर राज कपूर के करियर में मुकेश की आवाज ने तो जैसे जादू ही फूंक दिया था। मुकेश ने राज कपूर के लिए इतने सारे गाने गाए कि उन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। दुनिया बनाने वाले, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार और आवारा हूँ गाने शुमार है। मुकेश ने राज कपूर को नई ऊंचाइयों पर विराजमान किया। न सिर्फ राज कपूर बल्कि मुकेश का करियर ग्राफ भी तेजी से बढ़ा।